कगोद गांव में आए थे, डोगरा हाट का इनॉग्रेशन होने जा रहा था, लेकिन ये जो मौसम ने करवट ली है, सोचा आप तक ये तस्वीरें पहुंचा दी जाएं। जबरदस्त बूंदाबांदी, जबरदस्त बारिश और जबरदस्त बारिश के साथ में ओले भी गिर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर पूर्व जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी की वो बात याद आ रही है, उनने कहा समय जल्दी आने वाला है जब जम्मू में बर्फ भी पड़ेगी। तो जो मौसम जून के महीने में हमें जम्मू संभाग में देखने को मिल रहा है, ये मौसम परेशान करने वाला भी है और हैरान करने वाला भी है कि आप जून के मध्य में हैं, लेकिन मध्य में होने के बावजूद वो गर्मी जो जम्मू में हुआ करती थी वो गर्मी आपको नजर नहीं आ रही। और इसके बाद आप जानते हैं जून के बाद सीधा मानसून का मानसून शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब मानसून का महीना शुरू हो जाएगा तो ये जो हालात इस वक्त हैं ये और ज्यादा खराब होंगे, और ज्यादा गंभीर होंगे, और ज्यादा बारिश होगी। तो मेरे साथ सुरेंद्र सागर है, ये भी भौंचक्के हैं कि सन मी सुनाओ, कभी आपने अपने जब से आपकी संभाल हुई है कभी आपने इस तरह का मौसम देखा है कि हम रामनगर में इस वक्त डोगरा हाट के अंदर हैं और पीछे लोग जो है बहुत खूबसूरत डोगरा सिलसिला भी हमने देखना है, लेकिन ये जो बारिश हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? इतनी जबरदस्त बारिश और साथ में ओले गिर रहे हैं, ये देखो सीधा लग रहा है बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल। एक जो मौसम जून के महीने दिखा दे, पहले किन्ने साल पहले मौसम यो जिहा ये अपनी संभाल चे दिया मौसम असा देखिया नहीं आया, नहीं देखिया। एदा नुकसान या एदा फायदा? एदा नुकसान गा जेकी फसल टाइम फसल बड़ा भारी नुकसान। अच्छा, और खास करिए सब्जियां की मता नुकसान है। और दूआ जिस वेला से जम्मू दा टुरे हां ते मैं हुण फोन करिए पुछया है कि ओ आखा है जम्मू च शैल गर्मी पवा दी है, लेकिन उधमपुर जिला से राउंड दमेल दा इस वक्खी मुड़े हां ते मौसम थोड़ा हारा खराब हुआ करदा, पर जिले इथे पुजे आ से ते इथे ते ऐन शैल पवा दी है। और इन्नी भारी जेडी बर्खा इथे पवा करदी है, मी लगदा है कि हाड़ आईए दा सड़का उपर ते जंदे बाकी मुश्किल भी आई सकदी है। नहीं कने सर, मैं तुसें गल और सुना कि मतलब ए जून दा महीना चला दा मिगी ये लगदा है ते ए पूरा मतलब साल ही बरखा च गेदा, आए ते गर्मी दिखी ही नहीं सर। बेसिकली तब्दीली मी लगदा कि इस कारण आवा दी है। परते लोगे सुनाचे कि ये जो इलाका जहाँ ये जबरदस्त बर्फबारी इस समय हो रही है और साथ में ओले भी गिर रहे हैं, ये बर्फबारी नहीं ओले ऐन पवा कर दी है। नहीं बर्फबारी नहीं सर, सुनाया तुहे बर्फबारी आखी रहे, बर्फबारी नहीं मैं आखी तुहे गड़बड़ है ना तुंदी डोगरी मेरी उर्दू, मैं आखी उड़ा था कि ये जो आप सामने ओले गिरते ओले ऐन तुम ऐन आखी सकते मैं ओले। ये बिजली मिलकर दी महाराज ध्यान रखिया, ये बिजली है मिलकर दी। अच्छा, ये खतरनाक होता काम। पर सर परती है गाले के गंभीर मसला है, बिल्कुल जून का महीना चला रहा, लेकिन एरिया दोबारा से आपको बताया रामनगर का इलाका है, ये उधमपुर का जिला है, कगोत में हम लोग हैं। और आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त बारिश, और इस बारिश के साथ में ओले जो है जबरदस्त यहाँ पर गिर रहे हैं। और सुरेंद्र सागर जी बता रहे थे, सुरेंद्र सागर जी जम्मू में इस तरह का मौसम और इस साल में हमने गर्मी देखी नहीं। और मुझे अच्छा याद है कि 98-99 का जो 1998-99 की बात करूंगा, 98-99 उस टाइम 48 डिग्री टेम्परेचर जाता था, और आज जो है ये मौसम एदा कारण भी जेड़ा लगा करदा देखा करने के पहाड़े की जेड़ी कटाई है वह कर दी है, रोड बना कर देने, सुरंगा बना कर दिया, मी लगता है उस कारण भी जेड़ा मौसम च बदलाव जेड़ा है ना ये आवा करता है। और तू दिख लो कि गर्मी कुदर गई, गर्मी तो लबा नहीं, तो लू चलती ही भावे ये जेड़ा इलाका गर्म इलाका ये कोई ठंडा इलाका या बर्फ पौने वाला इलाका तो है नहीं है, उधमपुर का इलाका भी बड़ी गर्मी पौंदी इत्थे भी, पर ये जेड़ा मौसम च बदलाव आवा करता है इसकी दिखिए जेड़े वैज्ञानिक न साइंसदान न उन्हें भी सोचने पौना की के फसल चक्कर जेड़ा है, फसलें की जेड़ी रढ़ाई है जां बुआई है ओदे बारे च भी हुण सोचने पौना की के ऐसा गै मौसम जे अगला साल भी आया तो उसका सीधा असर सारी सब्जियों पर पई सकता है, साड़ी पैदावार उपर पई सकता है, ते सेहत ताई भी मी लगता है कि यह मौसम ठीक है, तुसें की राहत दिया करता है भाई गर्मी नहीं लगा करती। वैसे अगर जेड़े गर्म इलाके ने उत्थे गर्मी नहीं पवे उसका सीधा असर जेड़ा वो सेहत उपर ही पई सकता है। तो आपको दिखा रहे हैं, हम थोड़ा सा आपको ये तस्वीर सामने दिखाएंगे कि बिल्कुल
सामने पहाड़ हैं और ये पप्पू जी हमारे सरपंच साहब भी सुनाओ कि आगे जेड़े ये जो पहाड़ आ गए कौन से पहाड़ हैं जो नजर नहीं आ रहे बिल्कुल। ये आरसीपी को भी इधर का पिया साड़ा जगह सामना मान जगह पीछे टूरिस्ट स्पॉट बना था नवा कन्ने तुसें बर्फो की गल लाई दे हुण साढ़े चंद्रमोहन गुप्ता और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी बनी दे बीजेपी दे शायद देखा तो है आपने देखा कि चंद्रमोहन गुप्ता जी उधमपुर के प्रभारी बने और उधमपुर में मौसम ने ऐसा बदलाव करवट बदली है बिल्कुल एन शुरू हुई बर्फ की संभावना भी तो रखो बर्फ की भी संभावना तुसी रखो तो दोबारा से ये मौसम आपको दिखाएंगे कि जबरदस्त बारिश इस वक्त रामनगर उधमपुर के इलाके में हो रही है और लेकिन इलाका बड़ा खूबसूरत है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस समय जो है इस इलाके को अगर ध्यान से आप देखेंगे बहुत खूबसूरत इलाका लेकिन इस समय बारिश और बारिश के साथ में ओले जो है एन ओले ओले आखा दे तुसे एन ते ओले जो है वो इस समय भी गिर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा हमने यहाँ के सरपंच साहब से भी पूछा और सरपंच साहब ने कहा कि एक वक्त है यहाँ पर बर्फ भी गिरी है तो चंद्रमोहन गुप्ता जी ने जो बर्फ की बात की थी मेद रखी सकने हैं। और हमने इसीलिए झील पहले ही बनवा ली बिल्कुल बिल्कुल मेद रखी सकने के हो सकता भाई कुदरत उपर ते कुसा जोड़ने ना जोड़नी इस मौसम च जून महीने अगर एन पई सकती है संभावना बर्फ की भी हो सकती संभावना बर्फ की भी हो सकती है।